नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क्वार्टर थ्री के नतीजों के बारे में। किस तरीके के रहे नतीजे और क्या इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइस में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ जो भी नतीजे वो सारे लाख में से हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम जो कि प्रीमियम से आती है, ये सारी चीजों को अगर हम देखते हैं तो टोटल इनकम का आंकड़ा इस बार आता हुआ दिखाई दे रहा है 4,362 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में अगर हम देख रहे हैं 4,499 करोड़ था। तो कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देख रहे हैं तो प्रीमियम में गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो 3,854 करोड़ का जो नंबर था पिछले साल था, वहां से बढ़ के 4,300 करोड़ पे आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। तो अगर साल दर साल देख रहे हैं तो प्रीमियम जो है आपको यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस की बात करें, टोटल की खर्चे कितने होते हुए दिखाई दे, तो 4,085 करोड़ का एक्सपेंस जो है इस बार कंपनी की तरफ से होता हुआ दिख रहा है। लास्ट ईयर ये आंकड़ा 3,581 करोड़ था, तो लगभग 3,500 करोड़ से बढ़ के लगभग लगभग 4,000 करोड़ के आसपास के एक्सपेंस होता हुआ दिख रहा है। पिछले क्वार्टर में अगर हम बात करें 3,988 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में भी था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार आता हुआ दिखाई दे रहा है 276 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर था 273 करोड़, तो 3 करोड़ की बढ़त है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट है, क्योंकि 510 करोड़ का प्रॉफिट जो था ऑपरेटिंग लेवल पे वो कंपनी को हुआ था सितंबर क्वार्टर में। और आफ्टर टैक्स अगर दोस्तों इस बार के नतीजे हम देखने की कोशिश करते हैं तो इस बार का जो आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है लगभग लगभग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 352 करोड़, यानी 352 करोड़ रुपए का आंकड़ा जो है इस बार कंपनी पेश करी, जो पिछले बार लगभग 590 करोड़ का था पिछले सितंबर क्वार्टर में। तो 590 करोड़ से गिर के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट समझे तो आधा होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 40-45% तक जो है मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर रहा है। साल दर साल अगर कंपेयर करें तो 317 करोड़ रुपए से बढ़ के 352 करोड़, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर रहा है, लेकिन साल दर साल जो है 10% के आसपास की, 8 से 10% की जो बढ़त है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। इस क्वार्टर में इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने दिया है 4.5 रुपए का, तो आपको यहाँ पे 4.5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस कंपनी की ईपीएस की, तो ईपीएस इस क्वार्टर में आते हुए दिख रहे हैं 7.18 रुपए की, जो कि पिछले क्वार्टर में 12.03 रुपए की थी। तो वहां से ईपीएस में एक बड़ा हिट लगता हुआ दिखाई दिया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो 6.5 रुपए के आसपास की जो ईपीएस थी वो कंपनी ने यहाँ पे क्लॉक की थी। लेकिन अब हम बात करेंगे चार्ट में किस तरीके का मूव जो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का स्टॉक आप अपने स्क्रीन पर चार्ट पर देख सकते हैं, 1250 के लेवल पे आज के दिन स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया है। 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप पिछला पूरा दिसंबर का महीना देखेंगे तो एक बहुत ही छोटी सी रेंज में ये स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दिया, और 1280 अपसाइड में और 1220 रुपए का लेवल जो है वो लोअर साइड में एक अच्छा रेंज बना हुआ है इस स्टॉक का। पिछला 1 से 1.5 महीना अगर आप देख रहे हैं तो यही रेंज आपके लिए स्टॉप लॉस और सपोर्ट का काम करते हुए दिखाई देगी, यानी कि अगर ये स्टॉक 1280-85 के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में एक बार रैली बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ नतीजों के कारण 1220-1225 के लेवल को तोड़ने की कोशिश करता है किसी कारण से, तो फिर आपको यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है, और फिर इसमें एक बड़ी गिरावट भी जो है देखने को मिल सकती है। 1160-1180 रुपए तक के भी जो लेवल है फिर आपको नीचे की तरफ देखने मिल सकते हैं। तो अब देखना होगा नतीजों के बाद किस तरीके की उम्मीद के बाद यहाँ पे ऊपर या नीचे का मूव कल किस तरीके का होगा। हालांकि नतीजों में थोड़ी वीकनेस का अंदाजा मार्केट पहले ही लगा के चल रहा था, लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये नतीजे अनुमान से वाकई में वीक आए हैं या फिर मार्केट इसको एक पॉजिटिव वे में लेगा कि यहाँ से जो नतीजे पॉजिटिव हो सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में, और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई हो आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।